प्लीज सब्सक्राइब करें टीआरपी न्यूज चैनल को और दबाएं इस घंटी को। जय जवान जय किसान। हाँ एक बस एक शितार भी है, थोड़ा नारा भला एक शितार भी है, हवान भी है। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। हाँ किसान हम रोटी खाते हैं, गोबर नहीं खाते। सत श्री अकाल बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। देखो जी गोदी मंडिया खादा गोबर, उन्होंने कहा साड़ी माता गऊ है, साड़ी माता कड़ी माता सैफ कौर खालसा, सैफ कौर खालसा ते असी खालसा। जय जवान हां शाबाश, यही साडे नाल ही मैं क्या सेंड तुसी यूट्यूब ते बारी चैनल पर चल रहा है। हाई का नाम है खालसा तेरा तेरा, हूं कर दे LGC तेरा तेरा। LGC का मतलब मुल खरीदी लाला गोला LGC का नाम हम चाकर गोबिंद के, हम चाकर गोबिंद के बाबुल मेरा बड़ समरथा करन कार्ड हाथ हारा। सॉरी सर, ओके भाई गुरु जी। साडा बाबुल कहंदा सवा लाख से आज भी कोई चिंता नहीं की और डरना नहीं गा। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी फतेह। बाबा डरदे होने जे पाप कमांदे ने, सो डरा जे पाप कमांदा नहीं कुछ नहीं कहंदे। आजो सो इधर देखो जी, बड़ा ही प्रबंध किया गया, रोकने का यत्न किया गया है। वाहेगुरु जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान। हम खाते हैं रोटी, जो शैतान था वो खाता गोबर, वो गोबर खाता वो किसान की जय नहीं बोलता, हम तो जय बोलेंगे। शुक्रिया भैया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी आपसे मिलकर। वाहेगुरु जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान। हम खाते हैं रोटी, जय जवान जय किसान। हम तो जवान हैं, वो हमारे भाई किसान है, वो रोटी बनाते ना। यहाँ पर एक शैतान पर एक हैवान आया है, शैतान आया है, वो रोटी नहीं खाता वो गोबर खाता है, इसलिए हम तो जवानों के साथ हैं। जवान और किसान इकट्ठे हो गए, एक साथ हो गए नेड़े नेड़े, है ना। बोले सोनिहाल सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। जय जवान जय जवान जय जवान। ये नारा हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, आप लगाइए। जय जवान जय जवान। बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। हमारे आप भाई हैं, हम आपके भाई हैं, मगर एक ने यहाँ पर सच्चाई है, एक हैवान आ गया है, शैतान आ गया है, वो रोटी नहीं खाता वो गोबर खाता है, इसलिए वो जय किसान ही बोल रहा, वो किसान को नीचे गिरा रहा है, उसको लूटता है कूटता है। आओ तो हमारे साथ है। बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जय जवान जय किसान जय जवान। हम रोटी खाते हम किसान की जय जय करेंगे, करेगा ना जी। हाँ रोटी नहीं खाता फिर किन्नी नहीं करेंगे। जय जवान जय जवान जय जवान। आप हमारे भाई भाई, हम सभी में वो परमात्मा है, अल्लाह है, राम है, वाहेगुरु सब में है ना, आप में देख रहा है, मुझ में दिस रहा है ना, इन आंखों में कौन देख रहा है, भगवान देख रहा है। यदि हम में से भगवान निकल गया तो हमारी डेड बॉडी बन जाती है, सही बात है। यदि हमारे से भगवान निकल गया हमारी डेड बॉडी बन जाएगी, फिर हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, फिर तो जलाए जाते हैं, लकड़ पा के जला देते ना भैया, सही बात है। और जो हमारे अंदर आत्मा है, उस आत्मा का कोई कलर है, उसका कोई नीला लाल पीला कलर है भैया, आत्मा का उसका कोई वेट है? नो वेट। उसका कोई आकार भी नहीं है, वो कितने मीटर लंबी आत्मा, आत्मा सब में एक जैसी है, आत्मा सब में एक जैसी है, वो दिखाई नहीं देती,
वो महसूस की जाती है। हम सब आत्मिक तौर पर गुरु नानक साहब जी बोलते हैं अव्वल अल्लाह, गुरु नानक साहब का वचन है सब मैं जो जोत है सोए। हम मानते हैं एक ओंकार को, वो एक है और ओंकार सर्वव्यापक है, आप में है, हमारे में, हिंदू में, सभी में वो है। उसे अल्लाह कह लो, उसको राम कह लो, उसको श्याम कह लो, उसको कृष्ण कह लो, उसके नाम अनेक है पर है वो एक है। गुरु गोबिंद सिंह जी फरमाते हैं एक मूर्त अनेक दर्शन तीन रूप अनेक, उसने अनेक के रूप बना ले पर है वो एक। उस एक से हम जुड़े, जो एक से जुड़ता है ना वो वाहिगुरु से जो जुड़ गया वो वाहिगुरु जी का खालसा। खालसा मैंने शुद्ध प्योर प्योर, और यहां सबका हृदय प्योर हो गया है, किसी में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, किसी में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। हम मारा धर्म है साच कहूं सुन लियो, जिन्हें प्रेम कियो इन्हें प्रभाव पायो। जिसने प्रेम किया, जिसने लव किया उसको प्रभु मिलता है, लव के बिना प्रभु नहीं मिलता, लव के बिना प्रभु नहीं मिलता। वो प्यार से प्रेम क्या है बहनी, आप समझ रही है, प्रेम का मायने मैं परे, प्रेम का मतलब मैं ना हो परे मैं, जब मैं प्रयोगी फिर प्रेम होगा। हाँ प्रेम कर्म भी है, शुभ कर्म, प्रेम है कर्म पर डटे रहो। हाँ शुभ कर्मन से शुभ कर्मन ते कबहू ना टरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। आपका शुक्रिया। हाँ हमने गोदी, हमने रोटी खानी, हमने गोबर नहीं खाना, ना ना काम करेंगे रोटी खाएंगे, काम करेंगे रोटी खाएंगे। किसान मेहनत करता है, किसान के साथ जय जवान, अभी किसाना दे पुत्र, जय जवान जय किसान। शुक्रिया जी, धन्यवाद जी थोड़ा टाइम लिया जी। ओके जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, धन्यवाद जी, थैंक यू थैंक यू। सो गुरसा की कृपा से सदका ये जवान भी गुरु के नाल ने जी, सो बहुत बहुत धन्यवाद जवाना का भी, इधर किसान आले पासे चले जी, गुरसा जी सेवा लैन जी सेवा, वाहेगुरु ये साढ़े बाबा जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी फतेह, धन्यवाद जी, बहुत सेवा कर रहे वाहेगुरु जी कृपा। जिस धरती से आके हर एक बंदा सुखी और अपने आप को आराम और अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, और जेरा भाई नंद लाल दिल्ली का बताया हुआ भजिया से किधर तारा नहीं थी मिले उन्होंने गुरु नानक देव के घर आनंदपुर साहब की धरती के आसरा मिलिया थी, और उस भाई नंद लाल ने फिर सतगुरां दी नाम विच आखिया थी दीन दुनिया दर्क मंडे अपना रुख सारना सारे सुख एक रोम तो दुख ने। गुरु कलगी महाराज जी की शख्सियत बड़ी मुकम्मल बहुत महान है। श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जिस आनंदपुर कलगी पातशाह ने सत संग जी अपनी जवानी और बचपन का कुछ समय लगाया।